मेरा नाम है नीलांजन मुखोपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रेजेंट पास्ट एंड द फ्यूचर। तक तो हम ये प्रोग्राम अंग्रेजी में करते आए हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस चर्चा को कभी कभी हिंदी या हिंदुस्तानी में भी किया जाए। तो आज बात करेंगे नए भारत में सांप्रदायिकता के स्वरूप की। इसमें कोई शंका नहीं है कि इस चुनाव के नतीजे ने सेक्युलर ताकतों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी की इस अस्वाभाविक जीत के कारण बहुत हद तक भारत में बढ़ता हुआ रिलीजियस डिवाइड या धार्मिक विभाजन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सपोर्ट में इस बार अनप्रेसिडेंटेड हिंदू कंसोलिडेशन देखने को मिला है। जाहिर बात है कि ये नतीजे और हिंदुस्तानी राजनीति की दिशा मुसलमानों और अन्य रिलीजियस माइनॉरिटीज को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करने के लिए मजबूर करता है। इस मुश्किल दौर में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे दो पुराने मित्र हैं, जफर आगा साहब, वरिष्ठ पत्रकार जो आजकल नेशनल हेरल्ड के एडिटर हैं, और कुर्बान अली जी जो प्रिंट टेलीविजन रेडियो के जाने माने नाम हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि मैं प्रोग्राम में कुछ अपने चर्चा शुरू करने के पहले मैं अपनी थीसिस रखता हूं। तो मेरी पहली थीसिस है, पिछले 5 सालों से रिलीजियस माइनॉरिटीज एक भय के वातावरण में जी रहे हैं। ये डर एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म की वजह से है जो आर्ग्यू करता है कि हिंदुस्तान मुसलमान दो अलग अलग बाइनरीज हैं और इनमें कोई सामन्वय नहीं हो सकता है। जफर आगा साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप काफ़ी वक्त से, काफ़ी समय से आप शांत थे। आपसे कई बार मैंने कोशिश की इस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन आपने कहा कि चुनाव तक हम नहीं आना चाहते हैं। उसके बाद आपने एक आर्टिकल लिखा है अपने नेशनल हेराल्ड वेबसाइट में, जिसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि एंड ऑफ द रोड मुसलमानों के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि आर्टिकल के अंत तक आप ऑप्टिमिज्म भी दिखाते हैं, लेकिन आपका ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं याद करता हूँ कि 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद आपने एक इंडिया टुडे में उस समय आर्टिकल लिखा था, जिसको मैं हमेशा रेफर करता रहता हूँ, कि जब पहली बार बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद जो उसका धूल देखा, उसके बाद आपको महसूस हुआ कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए क्या सिम्बलाइज करती थी। तो एक 25 साल का पूरा दौर तब से लेके अब तक निकल आया है। सबसे पहली बात तो ये कि आज अचानक इतने समय के बाद आपको क्या लगा कि आपको अब चुप नहीं रहना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि टेलीविज़न ये मीडियम जो इस तरह की बातचीत का हुआ करता था, आप नीलांजन साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग तो कब से मित्र भी हैं, वो इस कदर बेहुदा हो चुका था कि किसी शरीफ आदमी के लिए और महज़ब आदमी के लिए माना जाता है कि 4 लोग बैठे तो लड़ाई करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बेहुदा बात है। ये बिला वजह में टेलीविज़न को, कुर्बान ने टेलीविज़न भी किया है और रेडियो भी किया है, ऐसी बेहूदियाँ तो नहीं हुआ करती थी। हमने भी कुछ थोड़ा बहुत टेलीविज़न भी किया है, कभी कदार रेडियो भी कर लिया है। तो डिबेट के माने क्या होते हैं, लड़ाई? ये तो नहीं, बहर दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो मैंने इस चक्कर में बिल्कुल छोड़ दिया था, और आज बहुत दिनों बाद जब आपने बहुत इसरार किया तो मैं आ गया। और लेकिन जो आपने बात कही कि 25 साल में, दोनों आर्टिकल का जो रेफरेंस दिया, दोनों आर्टिकल मेरे बहुत पढ़े गए और बहुत लोगों को पसंद आए, और मैं आभारी हूँ कि वो लैंडमार्क रहा। पहला आर्टिकल जो लिखा था उसमें मैंने ये लिखा था कि मुझे पहली बार लगा कि मैं मुसलमान हूँ,
اور دوسرا آرٹیکل جیسا آپ نے لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اینڈ آف دا روڈ ہے, یعنی ادوانی کے پے فیس سے مودی کے دے فیس میں, مجھے لگتا ہے کہ یہ مائنورٹیز اور خاص طور سے مسلم مائنورٹیز کے لیے اس ملک میں جگہ بہت تنگ ہو گئی. جیسا میں نے اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ مجھے پاکستانی جرنلسٹ دوست کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو کہہ رہا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ مسلمانوں کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پوروجوں نے غلطی کر دی تھی, تو اسی کے بارے میں وہ آپ کو ٹانٹ کر رہے تھے. جی انہوں نے یہ کہا آپ ہندوستان کہ بھائی آپ پولیٹیکل اسائلم کے لیے آپ یہاں آ جائیے, ہم آپ کو جگہ دلا دیں گے, اور ہم تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان 47 سے تھے اور اب آپ ہندو ریپبلک آف انڈیا ہو گئے. 2019 کا چناؤ جو ہے ثابت کرتا ہے کہ جنہ کی ٹو نیشن تھے. مجھے لگا, واقعی یہ لگا کہ جیسے میرے پیٹھ میں کسی نے چھرا بھونک دیا, کیونکہ ہم جس چیز کے لیے لڑتے آئے تھے, جو چیز کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ ہندوستان ہندو پاکستان کبھی نہیں ہو سکتا, وہ کوئی پاکستان سے بیٹھ کے کہے, اس نے بالکل جیسے توڑ دیا ہو. اور میں نے اس آرٹیکل میں بھی لکھا کہ مجھے آنسو آ گئے, لیکن یہ فیلنگ, یہ احساس تمام مائنورٹیز میں تھا کہ بھائی اب کیا ہوگا, کہاں جائیں گے, کیا کچھ بچا ہے یا نہیں. تو اتنا اسپیس بھارتی جنتا پارٹی اور آر ایس ایس نے اس مائنورٹیز کے لیے کم کر دیا اس دیش میں, کہ اس کو یہ لگنے لگا کہ از اٹ دی اینڈ آف دا روڈ, اب کچھ بچا ہے آگے کچھ یا نہیں بچا ہے, یا بس اب ایک ہندو راشٹر ہے. میں قربان بھائی آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگ جو بات کرتے رہتے ہیں کہ فیئر ڈر کی بات کرتے رہتے ہیں, یہ تو صاحب ان کی مونوپولی ہے جن کے مطلب پیٹ میں سب کچھ بھرا ہوا ہے. جس کا پیٹ خالی ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے فیئر اور ڈر کے ماحول کے بارے میں سوچنا. کہ زیادہ تر لوگوں کو کیا چاہیے, سرکار کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں, ان کو گیس سلنڈر چاہیے, وہ یہ سرکار دے رہی ہے, ان کو بجلی کا کنیکشن چاہیے, ان کو گھر میں پہنچا دیا گیا ہے, ٹوائلٹ بنوا رہی ہے سرکار, مکان بنانے کے لیے لون دے رہی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ایکو سسٹم کریٹ کر دیا جس سے لوگ انگیج ہو کے گئی ہے, اس کے آگے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس آرگومنٹ میں کوئی دم ہے؟ نہیں, دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے, ابھی آپ نے بابری مسجد کا ذکر کیا, اب میں تو اس کا آئی وٹنس تھا اور بریک کی تھی اسٹوری بی بی سی پر. میں وہاں سے جب آیا تو پورے ویسٹرن یو پی میں کرفیو لگا ہوا تھا اور میری بیوی علی گڑھ میں تھی اور میں پریشان تھا کہ اسے لے کے آؤں, اور میں نے کسی طرح سے ایک سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کیا اور میں پھر لے کے آیا. لیکن جب میں آدھے راستے میں پہنچا تو مجھے لگا کہ میں بلا وجہ ہی دہشت میں تھا. یہاں تو عام مسلمان سڑک پہ جا رہا ہے, سائیکل پہ جا رہا ہے, تانگے میں جا رہا ہے, کام کر رہا ہے, اسے تو کوئی دہشت خوف ہے نہیں, بابری مسجد گری تو گر گئی. لیکن اور اسی دن بی بی سی اردو سروس کے ایک پروڈیوسر نے 3 بار مجھ سے کہا کہ کیا ہندوستان میں سیکولرزم ختم ہو گیا. میں نے کہا نہیں, یہ ایک بدنما داغ ہے اور اس طرح کا یہ بڑا ملک ہے, اس طرح کے کئی بار اس نے جھیلے ہیں جھٹکے, اس سے ابھر جائے گا. اور جب ہم دلی میں بوٹ کلب پہ کھڑے ہوئے تو ہمیں دیکھا کہ کلدیپ نیئر بھی ہیں وہاں, اور خوشونت سنگھ بھی ہیں, اور روہنن سنگھ بھی ہیں, اور اتنی بڑی تعداد, تو مجھے لگا کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے. لیکن 2014 میں مودی جی کے شپتھ لیتے ہی پونے میں محسن نام کا ایک لڑکا اس لیے مارا دیا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے میں مسلمان جیسا لگ رہا تھا, اور اس کے بعد چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو, چاہے وہ پہلو خان کا ہو, چاہے وہ جنید کا ہو, بی جے پی بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے 5 سال میں کوئی بڑا دنگا نہیں ہوا. لیکن جو فیئر سائیکوسس, جو ایک بڑا دنگا نہ ہو کے سیریز آف کر دیا ہے کہ ہر مسلمان اس طرح کہ بھائی اگر اس ملک میں اب رہنا ہے تو جو مودی کہہ رہے ہیں, بی جے پی والے کہہ رہے ہیں, یا جو آر ایس ایس کے لوگ کہہ رہے ہیں, اور جو بدتمیزی کر رہے ہیں اسے بھی سہ لو. یہ فرق آ گیا. یہ جو قربان صاحب نے بات کہی بہت بہت امپورٹنٹ, میں نے میرا یہ کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بڑا دنگا نہیں ہوا مودی کے 5 سال کے راج میں, لیکن میں نے ایک بار یہ لکھا کہ یہ بہت ہی زبردست لو کاسٹ اسٹریٹجی بی جے پی نے بنائی کہ ایک خون کرو اور یہ لگے کہ ہزاروں مارے جا سکتے ہیں اسی طرح سے جیسے یہ مارا گیا. تو جو دہشت پیدا کی گئی موب لنچنگ کے ذریعے, اور پھر یعنی رزلٹ آنے کے 2-3 دن بعد ہی اسی قسم کا ایک انسیڈنٹ مدھیہ پردیش میں ہوا, یا 3-4 لڑکوں کو, ایک لڑکے کسی بچے کے ساتھ. اور اس میں ایک لائن اور میں جوڑنا چاہوں گا, قطع کلام معاف, کہ اب جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی ماں یہ کہتی ہے, یہ تاکید کرتی ہے کہ دیکھو کوئی بس میں یا ٹرین میں کوئی سیاسی گفتگو مت کرنا,
और पूछे तो नाम मत बताना और किसी से बात मत करना, काम से काम रखना और कहीं ऐसे झंझट में ना पड़ना जिससे तुम्हारी जान को खतरा लाहक हो जाए। तो ये दहशत बिठा देना, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, जो एक मेरे एक और मित्र आप लोगों की तरह, वो भी मुसलमान है, बोलते हैं कि मेरे को सबसे ज़्यादा वो हमारी तरह दिखते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं वगैरह वगैरह, आम हिंदुस्तानी की तरह लगते हैं, डज़ नॉट लुक लाइक अ मुस्लिम बोलते हैं ना कि बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, तो खैर वो नहीं लगते हैं। कहते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वो ट्रेन या बस में जा रहे होते हैं उनका मोबाइल फ़ोन बज जाता है और वो वहाँ से यहाँ से बोलते हैं हेलो, तो वहाँ से बोलता है कोई सलाम अलैकुम साहब, तो उनको तब एक दुविधा होती है कि मैं क्या वालेकुम सलाम, मैं वालेकुम सलाम कहूँ या ना कहूँ, इससे मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। तो ये एक अपनी आइडेंटिटी ना रिवील करने की एक प्रेशर आपने भी बताई, वो मेरे दूसरे मित्र ने बताया। वक्त आ गया, मैं अपना दूसरा थीसिस या प्रपोजिशन आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। वो ये है कि ऐसा नहीं कि भारत में सांप्रदायिकता बीजेपी शासन के पहले नहीं था, मगर अब ये विचारधारा को स्टेट पेट्रनेज मिलता है। यही कारण है कि एंटी मुस्लिम प्रोपागंडा इतने जोर शोर से फैल रहा है और एक हिंदू विक्टिमहुड की फीलिंग को पनपाता है। तो जफर साहब, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के समय से, पहले चुनाव के समय से भी देखने को आ गया, अगर हम 52 के चुनाव को देखें तो तब से लेके कांग्रेस या अलग पार्टीज, एक ट्रेडिशन बन गया था कि साहब मुसलमान नेता है तो वहीं से लड़ेगा जहां मुसलमान कम से कम 20-25% के ऊपर हों। मौलाना आज़ाद भी जाके उनके लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढ दी गई थी कि जहां से जाके एक फेयर अमाउंट ऑफ मुसलमान लोग हों। सेकुलरिज्म के नाम पे प्रैक्टिस क्या होता था कि हम लोग देखते आए हैं, हम लोग 80s के दौर से, जब से हम लोग पत्रकारिता में आए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक एंट्रेंच्ड एलीट के साथ एंगेज करती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ एंगेज करती रही है, चाहे वो शाहबानो का केस हो या उसके बाद कई सारे के ऐसे केसेस हों। तो इससे क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बोलना कि साहब इनकी जो सेकुलरिज्म थी वो बेसिकली अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी। लेकिन हालांकि बात यह है कि अपीजमेंट अगर हम बात करें तो आम जनता तक तो कुछ पहुंचा नहीं, जो बेसिक जो बैकवर्डनेस है वो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हुई। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, यानी तारीखी पस मंज़र में अगर आप देखें, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, तो इस मुल्क में कम्युनलिज्म के तीन बड़े लैंडमार्क्स हैं। 1947 जब पार्टीशन हो रहा है, दूसरा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, राम अयोध्या मंदिर, और तीसरा राइज ऑफ मोदी, मोदी का उदय, और उसके बाद में बहुत खुल के 2014 और 2019, 2002 से शुरू होता है और जी ये 25 साल ये तीन फेजेस हैं। इन तीन फेजेस में जो पहला फेज है, जो जिसमें जो कांग्रेस प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस का फेज अगर कह लीजिए, तो उसमें एक चीज़ पार्टीशन ने तय कर दी थी, जिसको कोई कहता नहीं था, जिसको जिस पे खुल के चर्चा नहीं होती थी कि भाई कुछ गड़बड़ है मुसलमान के साथ, और इसको इक्वालिटी के लेवल पे इन्होंने अपना हिस्सा लिया, ये वहाँ चले गए, अब इनको बराबर का हिस्सा मिलना, ये इट वाज एन अनसेड स्टेटमेंट। उसमें कोटा सिस्टम में दो, एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया, कभी एक प्रेसिडेंट हो गया, दो मंत्री हो गए, ये चलता रहा। और नीचे जैसा आपने कहा, सचर कमेटी ने ये आँखें खोली कि ये तो दलितों से भी बदतर हो चुके हैं। तो लेकिन मुसलमान ने कभी होप नहीं छोड़ी इस सब चीज़ों के बावजूद, एट टाइम्स बीइंग डिस्पाइट फीलिंग सेकंड क्लास सिटीजन, उसकी उम्मीद कभी नहीं ख़त्म हुई। 1919 में जब ये लगा उसको कि बाद मोदी के दूसरे आने, 300 सीटों के आने के बाद, कि अब तो ये 2019 से अभी जो चुनाव के नतीजे आए, रिजल्ट आए, उसके बाद उसको लगा कि नहीं, अब तो ये हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ उसकी आशा टूट गई, और अब उसको ये लगने लगा है कि इसी सेकंड क्लास सिटीजन स्टेटस में ही जीना पड़ेगा शायद। जी, मैं इसमें बहुत अदब के साथ जफर भाई से थोड़ा सा डिसएग्री होते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये जो सांप्रदायिकता है, इसकी शुरुआत 1992 से नहीं होती। इसकी शुरुआत मैं मानता हूँ 1980 में, जब इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई, तो उन्होंने
बहुत खुल्लम खुल्ला हिंदू कार्ड खेला, और 1982 का जो चुनाव हुआ है 83 में, उस चुनाव पे मैंने लिखा कि इंदिरा गांधी ने कमनल कार्ड खेला है, वो कमनल हो गई हैं, और मेरे ऊपर मुकदमा चला 25 साल उसको लेकर के, और 25 साल। और 1984 में, मुझे माफ़ करें आप, कि ग्रेट सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही ब्लेटेंट हिंदू कार्ड खेला, और आरएसएस ने उस वक्त उनकी मदद की, और वाजपेयी जी इलेक्शन हारे और राजीव गांधी 410 सीटें जीत करके आए। और उसके बाद जब अरुण नेहरू सिख थे, और उस वक्त में नारा क्या लगता था, बेटी है सरदार की देश के गद्दार की, अमेठी में, और बलिया में हम चंद्रशेखर जी का चुनाव देखने गए तो वहाँ नारा था कि बलिया का भिंडरावाला चंद्रशेखर। और अरुण नेहरू ने मुझसे कहा कि इस इलेक्शन में हमने आरएसएस का इस्तेमाल किया। मैंने कहा, नेहरू जी, आरएसएस ने आपका इस्तेमाल नहीं किया, आपको आरएसएस ने इस्तेमाल कर लिया है। और वो जो दौर शुरू होता है कि शाबानो, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का ताला खोला जाना, मलियाना और हाशिमपुरा जैसे जो कांड हुए, जो आज़ाद हिंदुस्तान में कस्टोडियल किलिंग्स के उससे बड़े कांड आपको नहीं मिलेंगे, और उससे पहले नेल्ली का मसेकर हो चुका है, भागलपुर में कहा जाता है कि 2000 तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 10,000 मुसलमान मारा गया, दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। और उसके बाद डिस्प्यूटेड साइट पे शिलान्यास होता है बूटा सिंह और नारायण दत्त तिवारी के जरिए, और राजीव गांधी अपना चुनाव अभियान फैजाबाद से शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे। और अभी गुजरात के इलेक्शन में हमने देखा कि राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन रहे थे, उनका गोत्र बताया जा रहा था, और हम उनसे ये तो उम्मीद नहीं करते कि वो किसी मस्जिद में जाएं, लेकिन वो किसी दरगाह पे तो जा सकते थे, गुजरात के कैंपेन में वो किसी दरगाह पे भी नहीं गए, इसलिए कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड, दरगाह जो है वो सेकुलर जगह, सेकुलर फॉलोइंग की ज्यादा माना जाता है जी। तो मेरा ये कहना है कि 1980 में बीच पड़ गए थे, और ये जो अयोध्या की पॉलिटिक्स हुई है इसमें कांग्रेस पार्टी का भी दामन साफ नहीं है। देखिए, इससे बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता, खाली कांग्रेस नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, लेफ्ट शायद किसी हद तक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कभी उन्होंने किया हो तो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, आप हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में जो आज़ादी वाली आइडियलिज्म थी वो हमेशा लास्ट करने वाली नहीं है, इसमें डोमिनेंट इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर के लिए इलेक्शन करती हैं, डोमिनेंट मेजॉरिटी हिंदू है, तो सब ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने जैसे नहीं ब्लेटेंटली जाने दीजिए, इस चीज़ बाबरी मस्जिद हुई लेकिन हमें ये नहीं लगा कि अब सब कुछ ख़त्म है, ये 2019 में अब ये पहली बार ये एहसास हो रहा है कि हम क्या क्या हमारे बाप ने वहाँ जाके पाकिस्तान जाके। लेकिन आप आर्टिकल में कंक्लूड करते हैं कि इसके बावजूद आप में उम्मीद बची हुई है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना तीसरा थीसिस या प्रोपोजिशन रखता हूँ आप सबके सामने, यहाँ से निकलने के लिए बीजेपी के ओपोनेंट्स को आइडियोलॉजी मजबूत करनी होगी, साथ ही एक ऐसे जेन्युइन सेकुलरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा जो माइनॉरिटीज़ में एक्सट्रीमिज्म के फोर्सेस को आइसोलेट करेगा, टोकनिज्म की राजनीति से बचना होगा, और बुनियादी मुद्दों के मिलाते हुए अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज को साथ जनता को मोबिलाइज करना पड़ेगा। तवर भाई, अगर हम लोग इस चुनाव के नतीजे को देखें, अगर उसको CSDS का जो पोस्ट पोल सर्वे है उसमें ये साबित होता है कि अनप्रेसिडेंटेड हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है बीजेपी के फेवर में, ऑल इंडिया लेवल पे 36% हिंदू सपोर्ट से बढ़ के ये 44% हुआ है। कुछ स्टेट्स में जैसे पश्चिम बंगाल की बात करूँ मैं, वहाँ 2014 में हिंदुओं में 21% हिंदुओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, वो बढ़ के हो गया है इस बार 57%। उसी के विपरीत मुसलमानों का जो सपोर्ट है वो 2014 में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट के बीच में तीन हिस्से में बटा था, इस बार तीन हिस्से में नहीं बट रहा है, 70% कंसोलिडेशन तृणमूल कांग्रेस के उसमें आ गया। 2014 में हमको ये भी देखने को मिला था एक तरह से रिडंडेंसी ऑफ मुस्लिम वोट, जो हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से मुसलमानों को इलेक्टोरली इरेलीवेंट बना दिया गया है कि किसी भी पार्टी को अब मेजॉरिटी पाने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, वो ना एक मुसलमान खड़ा करता है ना यहाँ से खड़ा करता है, वो सिर्फ टोकनिज्म के चलते करता है, और बगैर कोई मुसलमान एमपी के
वो बाकायदा 5 साल राज करके दोबारा उससे ज़्यादा सीट लेके आ पाए। तो इससे काफ़ी सोशल फैब्रिक में टेंशन बढ़ती है। आप नीलांजन जी, आपको एक बात मैं बताऊँ, दो फैक्ट्स आपको आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट। हम जो एनालिसिस करते हैं इतना परसेंट हिंदू कंसोलिडेशन, इतना परसेंट मुस्लिम कंसोलिडेशन, उसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी 2019 में बीजेपी का टोटल वोट परसेंटेज 38% है। ये आप, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क दैट इंटायर इंडिया हैजंट गॉन। ठीक है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रोपोर्शनल सिस्टम में नहीं, मगर 16 राज्यों में 50% से ज्यादा भी है। जी जी, लेकिन टोटल वो आप 38% से आगे नहीं बढ़ रहे हैं बीजेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन वही है कि जो, अच्छा दूसरी चीज में एक बात और, स्टैटिस्टिक्स का होता है हमेशा कि दो पहलू होते हैं। जी जी, तो ये इट्स अ वेरी वाइटल लैंडमार्क, वेरी इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग व्हिच माय, जो आपने मेरे आर्टिकल में जिक्र किया, जिस आर्टिकल का कि मैं कंक्लूड करता हूँ, आज भी हिंदुस्तान का मेजॉरिटी हिंदू राष्ट्र में आशा नहीं चाहता। दूसरी बात, इस बार मेरे ख्याल से कितने मुस्लिम एम पीज इलेक्ट हो गए हैं, मैं नंबर टोट हैं 28 एम पीज, मुस्लिम एम पीज फ्रॉम डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, बीजेपी से एक भी नहीं, बाकी तमाम और पोलिटिकल नॉन बीजेपी नॉन एनडीए पार्टी से, एक एनडीए का एक है, एनडीए का पासवान क्या से बीजेपी से। अब एक बहुत जरूरी बात करते हैं, तो ये बड़े दोनों इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हैं कि ये कह मान लेना कि सदा के लिए इस मुल्क में मुस्लिम वोट बैंक ख़त्म हो गया, ये गलत बात है। इस आई डोंट एग्री विद दिस थ्योरी, ना ही इस मुल्क की मेजॉरिटी इस देश को, हिंदू मेजॉरिटी की मेजॉरिटी इस देश को हिंदू राष्ट्र मानने को तैयार है। बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम ख़त्म करने के पहले, क्योंकि हम लोगों का वक्त ख़त्म करने का आ जा रहा है पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका विकास सबका साथ करते करते अब वक्त आ गया है कि सबका विश्वास पाना। क्या आपको ये शब्द जेन्युइन लगते हैं, और विश्वास पाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? फॉर अ मोमेंट हम मान लेते हैं कि जी सीरियस है। एक शेर में अपनी बात कहूँगा कि तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता, इसमें पूरी बात आ जाती है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है, 2002 में से आप हैं, उसके पहले तो आप आरएसएस में थे, तो हम नहीं कहते तब आप क्या कर रहे थे, लेकिन 2002 से और 2019 तक का आपका सफ़र ये बताता कि आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और एक और बात मुझे, अगर आप एक मिनट की इजाज़त दें सिर्फ, कि नीलांजन साहब, इस मुल्क को बनने में 1000 साल लगे हैं, ये एक दिन में नहीं बन गया है, तो इसलिए ये एक दिन में टूटेगा भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मुल्क की जो बुनियादी शर्त है एक रखने की, वो नेशनल मूवमेंट और उसकी वैल्यूज़ हैं, जिसमें कहा गया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क होगा। और गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद कोई कम हिंदू नहीं थे इन लोगों से जो आज शासन में हैं, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हमने इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया तो ये टूट जाएगा। और दूसरी मिसाल पाकिस्तान हमारे सामने है, जो मज़हबी नफरत की बुनियाद पर बना और जिसे टूटने में 25 साल नहीं लगे। तो इसलिए ये याद रखना चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र बना तो लोगे, और बना लिया आपने, डिफेक्टो और डी जूरे पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर इस मुल्क को एक नहीं रख पाओ। ठीक है, मतलब बात यह है कि हिंदू होने से कोई परहेज नहीं है, हम सब हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल हिंदुइज्म से हमको परेशानी है, जो इस खतरा है। धन्यवाद आप लोगों से, दोनों से बात करने के लिए, काफ़ी हम लोग और इस बारे में बात कर सकते थे, वक्त ख़त्म हो गया है। हम में से किसी के पास रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं हैं, हम बस इतना जानते हैं कि भारत का एक और पार्टीशन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सवाल ये है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका सर उठा के जिएगा या फिर डर से सर झुका के जिएगा। ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आपसे।